हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। हम सब बड़े हैं, आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होगी। अभी टाइम हो रखा है सुबह के 10:30 और आज मैं जा रहा हूँ एडमिशन कराने अपना थर्ड सेमेस्टर के लिए। दो सेमेस्टर तो हमारे बिना पेपर दिए निकल गए, अब थर्ड का देखते हैं, जो भी होगा एडमिशन तो करा ही लेते। मतलब दो सेमेस्टर तो पता ही नहीं चला कब निकले क्या चला। और आज जाना है क्योंकि एडमिशन कब से हो रहे हैं पर मैंने कराया नहीं था, उस समय रुपये भी नहीं निकाले थे ना। परसों निकालने गए थे एटीएम से और इतने सारे एटीएम में गए, कहीं रुपये ही नहीं थे। कहीं कह रहा था 500 रुपये निकालो सिर्फ, फिर त्यागो वहाँ के लिए चाहिए था एटीएम ले जाना, तो परसों निकालने अर्जेंट थे। तो फिर मेरे को एक एटीएम में निकल गए, जस्ट बस स्टैंड के बगल पे है ना, वहाँ से निकल गए थे। और आज जा रहा हूँ एडमिशन कराने के लिए। एक दोस्त है, उसको मैंने कहा था कल की मिल जाना, अभी उसका मैसेज नहीं आया, सुबह से कुछ बात भी नहीं हुई, तो पता नहीं क्या करता है वो। मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, क्या वैसे वो आएगा मेरे को पता है, जहाँ तक है कॉल करके पूछूंगा अभी। बट तो पहले चल गया, उसकी क्लास है आज 10:45 से थी, तो पहले निकल गया था क्योंकि मेरी क्लास है 12:15, आज हमारी भी क्लास है, देखता हूँ क्या सीन है। कोई पढ़ा नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि सेकंड सेम में जब हम गए थे तो क्लास थी पर टीचर कहीं आते ही नहीं थे, मतलब पढ़ाने आए थे कुछ कुछ टीचर आते थे, एक दो टीचर तो थे बहुत अच्छे पढ़ाते थे, मतलब आते हर टाइम क्लास लेते थे, पर थे कुछ पर उन्होंने क्लास ही नहीं ली तो वो सीन था। अब तो मैथ भी हट गई हमारी, सेकेंड सेम तक मैथ थी और थर्ड से नहीं है, तो खुशी हो रही है। और आज मम्मी भी जा रही है मार्केट, मम्मी को भी कुछ काम है, तो मम्मी चाबी रख जाना ठीक है। वैसे मैं तेर से भी लेट में आऊंगा पर चाबी रख जाना ठीक है। हाँ तो फटाफट होते हैं तैयार, अभी रेडी तो हो गया हूँ। और बुक्स तो मेरे पास ये हैं, क्या कहते हैं इसको, C++ और जो भी हैं पुरानी। तो अब तो थर्ड सेम है तो उसके लिए कुछ खास बुक्स तो ले जानी नहीं है क्योंकि आज क्लासेस हैं, उसका कोई सीन है। बैग वैग नहीं ले जाता हूँ यार, एडमिशन तो करा लूँगा, रुपये रख लेते हैं। और क्या क्या ले जाना होगा मेरे हिसाब से, कुछ खास तो लगता नहीं, आधार कार्ड रख लेता हूँ, वो लगा उसका नंबर शायद से चाहिए होगा, और कुछ खास नहीं चाहिए। बाकी सब मोबाइल में है ही, रिसिप्ट वगैरह जो भी है पिछले जो भी हमने भरी थी रिसिप्ट वगैरह सब मोबाइल में, उसको निकलवा लूँगा। और क्या चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, पेन रख लूँगा और हो गया बस। और बाकी कुछ खास लिखाएंगे देखेंगे, देख लेंगे यार जब कॉलेज जाके, मतलब बैग वैग नहीं ले जाता यार बैग से, कल से देख लेंगे, आज पहला दिन है ना तो देखते हैं चलो। और ये देखो अपना SSG कैंपस वाला, मैं इसी पर्स को यूज़ करूँगा बटुआ, ये देखो इसमें मेरा वो है और इसी में सब कुछ रख के ले जाऊँगा। वैसे मैं पर्स नहीं, मैं पर्स यूज़ नहीं करता ना, तो ये काम आ जाएगा, इसमें सब कुछ रख लेता हूँ, आधार कार्ड और ये यहीं पर पड़ा था, वैसे यहीं पर रखे रहता हूँ ताकि ढूंढना ना पड़े। अब ये मास्क मिल गया मेरे को, ये कब से ढूंढ रहा था मैं भाई साहब, अब मिल रहा है, पर इसको ज़रूरत नहीं है, ये साला अंदर अंदर दम घोट देगा मेरा N95। ये बेस्ट है भाई, सबसे बेस्ट हल्का हल्का। शूज़ का अड्डा देखो हमारा बेड के नीचे, वो देखो तो वैसे हो गया मैं फुल सेट, अब निकलता हूँ यहाँ से। और अभी चेयर, ये क्या है इसको, ये बेड ने मेरे को अभी इतना गंदा धोखा दिया ना क्या बताऊँ। शूज़ पहनने के लिए जैसे ही बैठा भड़म नीचे, मतलब उठ गया मैं, मेरे हाथ में यहाँ पे खाल छिल पड़ी, हाथ रखा ना मैंने इतना उठ पड़ा मैं, उसका पूरा बीच का डंडा टेढ़ा हो रहा हूँ। इस साइड को हमने किया था टाइट, वो साइड भी टूट गया, अब गया निकलता हूँ सीधे कॉलेज को। ये देखो गाइस, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था कुंडी लगाने का, पापा ने अटका रखा है डंडी लगा के, पापा की जुगाड़ एक से एक रहते हैं मस्त वाले। तो कहते हैं टाइम 11 बज गए और मैं एक अंकल के साथ आ गया था बाइक में, अंकल पड़ोस के ही अंकल है ना, उनके साथ आ गया जिनका कुत्ता आया था परसों हमारे घर में। और पुलिस वाले इतने ज्यादा है ना, अभी दोस्त का कॉल है दोस्त लोगों का, सब ग्रुप में साथ रुके हैं, मैं अभी जाके देखता हूँ कहाँ पे हैं, अभी उनके साथ ही चलूँगा कॉलेज को। तो कहते अभी टाइम हो रहा है 2 और एडमिशन तो मैंने करा लिया, हालत ख़राब हो गया एडमिशन के लिए भी, ऊपर नीचे जाना पड़ता है ना, फीस जमा करो वो करो रसीद करो उसकी कॉपी करो नीचे दो, तो बहुत दिमाग ख़राब हुआ। और फिर क्लासेस थी, क्लासेस कह रहे थे 7 वाले हो नहीं रही, बहुत नीचे है ना क्लासेस, तो मैंने कहा आज रहने देता हूँ, बहुत लेट हो गई थी मुझे, 1:30 बज गया था। भाई मम्मी मुझे मार्केट मिली थी, वो भी मैंने कहा मम्मी से मैं चलता हूँ क्योंकि मैं दोस्त के साथ था, भट मुझे मिल गया था मार्केट में जो कह रहा हूँ कॉलेज में मिल गया था, उसके कॉल आए थे बहुत सारे कॉलेज वाले दोस्त जो BCA वाले हैं वो भी थे, वैसे मेरे स्कूल के दोस्त हैं वो लोग भी, तो वो लोग भी क्लासेस नहीं गए थे क्योंकि हमको ऐसा था 12:15 से क्लासेस थी और लैब था, उससे पहले लैब में भी कोई नहीं था और 12:15 से क्लासेस थी, 12:45 से थी पता नहीं, 12:15 से ऐसी कुछ थी, और हमको पता नहीं एक या एक से ज़्यादा ही हो गया था वहीं पे, फिर हमने कहा छोड़ यार अब। और बहुत ही गर्म हो रहा है, मतलब गर्म बहुत है से बताओ तो, दिन में जो धूप है ना बहुत गर्म हो रहा है, उसमें स्वेटर में तो हालत ख़राब होगी, चिंगारी जैसी होती है ना वो थी ना। Tomorrow. Hey guys, good morning. अभी टाइम हो रखा है सुबह के 11 और आज पहले मैं सोचा था कॉलेज जाऊँ, फिर सोचा कि आज नहीं जाता हूँ कल से जाऊँगा, कि कल ही गया था कॉलेज और मैंने के दोस्त लोग गए हैं उनसे पूछ लूँगा कि क्या क्या हो रहा है कॉलेज का सीन पढ़ाई वढ़ाई का, कल कोई नहीं गया था क्लास लेने, तो मैंने कहा आज तुम जाके आओ फिर मेरे को बताना क्या सीन है। आज पहले मैं सोचा कहीं और जाने की, सोचा था कि वोटर आई डी बना लेते हैं क्योंकि 18 साल हो गए, पर
बनाएंगे, वो भी कुछ दिनों में बनाएंगे, फिर वोट देंगे हम भी, जिम्मेदार नागरिक। और ये पीछे देख रहा हूँ मकान बन रहा है, पता नहीं कब से बन रहा है, कब बने गए। कबाड़ी को भी मेरी वीडियो बनाते वक्त ही आता है। ये देखो हमको ये माला भी निकालनी है अभी, हमको तो क्या, मेरे को ही निकालनी है। ये सब लटक गए हैं, यहाँ तक लगाई थी ना इनके घर तक, अभी निकालता हूँ इनको पूरा। अब बुढ़ दीपावली भी ख़त्म हो गई, इतना बवाल है ना इस लाइट को निकालने में, जिस हिसाब से हमने लगाई है देखो यहाँ तक आए हैं। यहाँ पे इन्होंने पहले से गड्ढा किया था, जो यहाँ पहले रहते थे, पता नहीं किस चीज़ के लिए इतना बड़ा गड्ढा किया है, समझ में नहीं आया मेरे तो। ये शायद टीवी के लिए इन्होंने तार डाला था यहाँ से। ये देखो ये तार है, ये कॉर्ड, ये यहाँ कनेक्ट हुआ है और ये कनेक्ट ये यहाँ गया, इसको यहाँ लगाते हैं तब बाहर की माला जलती है। बड़ा खतरनाक सीन कर रखा। वैसे कंप्यूटर के लिए लगाया था मैंने, कंप्यूटर यहाँ पे लगाया ना, इसको भी सोचा चेंज करके यहाँ पे लगा दूँ, वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इसको यहाँ से निकालते हैं यार, खिड़की के अंदर से निकल गया। ये भी बन जाएगी कुछ दिनों में, नीचे इसके पूरे नीचे गड्ढा हो रखा, दिखाऊंगा बाद में तुमको। स्टूल की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को यार, क्योंकि माला बहुत ऊपर है, इतना लंबा भी नहीं हूँ मैं। पहले यहाँ की निकाल देता हूँ एक साइड से। तो वह सारी माला मैंने निकाल दी हैं, इतनी माला लगी थी, और ये वो था एडेप्टर टाइप जिसमें हमने सारी वो लगाई थी। और ये देखो अभी गिनना चाहूँगा, ये तार है देखो कहाँ बाद है, उधर पेड़ पे, और यहाँ यहाँ पे बाद है। बाप रे अभी गिर गया था नीचे, बज गया। समेट लो इनको भाई, अंदर ले जाता हूँ, ये तो जल जाएंगी बेचारी यहाँ पे। कितनी माला लगी है हमारी, 1, 2, 3, 4 से हो गया था वैसे, क्योंकि इतना ही एरिया था ना यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको अंदर रखता हूँ। मम्मी कहाँ रखूँ इसको, ये डब्बे तो हैं इनके सबके, डब्बे में डाल दूँ ना। हाँ। और तो दो दो दूध के लेके, ये इसमें एक बाल्टी में, मठा मठा में दला बना रही ना, उल्टी हो रही है तब। उल्टी मम्मी को भी होने लगी है, उल्टी दस सबको क्या हो रहा है, पहले त्यागो फिर तेरे को क्या हो रहा है अरे पहले मेरे को भी हुआ मेरे को भी तो हुआ था, पहले तेरे को हुआ फिर इतिया को हुआ। और कल रात से मेरे को हो गया उल्टी दस। ये खिड़की की नहीं, कुंडी टूट गई ऊपर में, ये जो हमें लगता है ना ये लगी नहीं रात में, क्या किया बंद नहीं थी, हल्की अटक रखी होगी ना यहाँ पे। अब इसको यहीं पे रख देते हैं, बाद में डब्बों में डाल देंगे इसको, इसके वाले। और गाइस बाहर इतनी खतरनाक धूप हो रही है ना, मतलब बाप बता नहीं सकता। मैं जैकेट पहन रखी थी मैंने, अब टी शर्ट में भी ठंड लगती है, लोग कहते हैं पागल टी शर्ट में क्या कर रहा है बाहर गाँव में, तो इसको पहनती मैंने, चैन खोली थी जबकि पर अजीब सी नहीं हो रहा, तो धूप पता नहीं धूप में हल्का और क्यों नहीं आ रही इसमें, धूप में हल्की हल्कापन। अरे यहीं पर तेज हल्कापन तो है, इधर साइड और साइड यहाँ पे कहता तेज, यहाँ पर जो है वो मिट्टी बता रही है, बरामदा कहते हैं सभी लोग, यहाँ पर तेज आ रही है ठीक सामने, ऐसा आती होगी ना खुला है ना एरिया, ठीक सामने सूर्य की रोशनी आ रही है। अगर यहाँ पे बैठी थी अभी धूप लगी नहीं मेरे को दुकान पे, चलो छोड़ो जो भी है इसकी वजह से। और रोड भी नहीं बनी, वरना वो दूध वाले वैन लेके आते थे अपनी, अब आजकल बाइक में ले जा रहे हो, उनकी भी दिक्कत होगी बेचारों को। और गाइस ये जो कमरा है ना खाली वाला, ये खाली वाला कमरा है, इसे लेने के लिए परसों एक लड़की आई थी, उसने कहा था कि मैं आऊँगी कल आ जाऊँगी सुबह शिफ्ट करने के लिए, शाम को देख गई थी वो, पहले भी आई थी एक बार, उससे मैं तो गायब हो गई थी बीच में, फिर परसों फिर आई थी वो, तो मम्मी ने कहा कि आ जाना सुबह सुबह आऊँगी, गई थी फिर नहीं आई हूँ, पता नहीं क्या है, कुछ एक महीने बाद फिर आएगी वो, आंटी मैं आ रही हूँ घर, पता नहीं कैसे चल रहा है। और ये देखो ये उस दिन हुआ था ना जब ये यहाँ से पानी आया था, भाई साहब ये कैसा हो गया है, ये है क्या मिट्टी पूरी जम रखी है यहाँ से, पूरा देखो कितने बहुत पूरा टीला जैसा जम गया है, ये देखो ये पूरा बहा था ना, ये बहुत खतरनाक आया था, ये सबसे खतरनाक तो आया था यहाँ, ये देखो सबसे खतरनाक आया था यहाँ, यहाँ से उधर ना उन लोगों का बाथरूम है ना बगल वालों का, तो हम कहते इसको तोड़ देंगे अगर वहाँ वहाँ इतना खतरनाक आ जाए, भर 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 भर, ये देखो ये इतना मोटी मिट्टी आई थी ना, ये देखो ये कितना ज़्यादा है वो सोचो, और उनका तो पूरा बाथरूम था वहाँ भर के, मतलब बाथरूम से नीचे चले जा रहा था पानी पर। अब आज तो गया नहीं कॉलेज में, दोस्त लोग गए, उनसे पूछूंगा आज की क्या हुआ है सीन कॉलेज का, कल से जाऊंगा फिर अगर पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी तो, वैसे मुझे नहीं लगता हो रही होगी पढ़ाई, पर कल से जाऊंगा, जो भी होगा सीन वो तुम्हें पता ही चल जाएगा। और देखो मम्मी की हरी सब्जी बड़ी हो चुकी है यहाँ पर थोड़ी बहुत, उस टाइम बाद इतनी हो जाएगी फिर खाने लायक हो जाएगी, और कुछ नहीं हो रहा है, तीन तीन खेते पर हो कुछ नहीं रहा है, कुछ हो रहा है तो बंदर खा जा रहे हैं। तो वैसे व्लॉग को मैं ही पकड़ता हूँ एंड, अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक किए बगैर मत जाना, और कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए मस्त से तगड़े से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहो मस्त रहो और हंसते रहो, बस यही सीन है, बाय। I've been getting out of bed.
these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from